फुरकते गम मिटा जा, इश्क दा जाम दिखा जा, जो मेरा रात है आजा साथ, साथ निभा जा साथ, साथ निभा जा। हमारे सीनियर भैया सब आ रहे हैं, तालियों की गूंज, तालियों की गूंज। हेलो हेलो, आदरणीय सीनियर भैया, जो भी आप लोग वहाँ पे खड़े हैं आके प्लीज यहाँ पे बैठ जाएं। सभी लोग ताली से गूंजते हुए तालियों का स्वागत करेंगे। वेलकम करता हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम डेवलप किया है जूनियर्स ने। अब तो वो लोग सीनियर होने जा रहे हैं, तो सब लोगों को बधाई देता हूँ मैं। और बाकी तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब लोग अभी एक बार दोबारा से एक लॉकडाउन के बाद भी दोबारा से चेयर हुए और कॉलेज में दोबारा से आपका रंगों का एक प्रोग्राम जो है दोबारा की शुरुआत है। थैंक यू। तालियों की गूंज, छुपा के मत रख। अब मैं प्रिंसिपल सर से गुजारिश करता हूं कि वो कुछ बोलें। बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, जरूर बताएंगे, लेकिन इनको पकड़ के जरूर सुनना। बहुत दिनों बाद आप सबके बीच में बहुत अच्छा लग रहा है। बिना इस तरीके के फेस्टिव के कुछ अधूरा अधूरा लगता है। आज आप सभी हैं हमारे बीच में और ख़ास करके मैं जूनियर बच्चों को कहना चाहूँगा कि वो समझो और देखो, कॉलेज की परंपरा को सीखो, क्योंकि ये काम आपको भी करना पड़ेगा। आपका स्वागत इन्होंने किया है, फिर आप इनका फेयरवेल भी करते हैं। इस कॉलेज में एक बार आने के बाद कभी इससे नाता ख़त्म किसी का नहीं होता है, और इसी उम्मीद के साथ कि हमारे जो बच्चे यहाँ आज जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह पे, वो इस संस्थान का नाम रोशन करेंगे, अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, और कभी यहाँ से अलग नहीं होंगे और अपने जूनियर बच्चों को मार्गदर्शन करते रहेंगे। और जब भी आए वो, उनका हमेशा यहाँ स्वागत रहेगा। और कोशिश ये रहेगी कि किसी एकेडमिक प्रोग्राम को लेके या कल्चरल प्रोग्राम को लेके, कल्चरल प्रोग्राम का मतलब सिर्फ नाच गाना ही नहीं होता, हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें अर्जित की, आपने कहीं कोई प्रतियोगिता में भाग लिया, प्रदर्शनी में भाग लिया। ये कॉलेज हमेशा आपको दिल खोल के आपके कृतियों को प्रदर्शन करने के लिए, उसको बताने के लिए खड़ा रहेगा, हमेशा स्वागत करता रहेगा।
डांस।
धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने